हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मामा जी, क्या हाल है? सेट कैसा दिता? ऐसे कितने का आया जो गिफ्ट किया? 50 लाख का। बड़ी बड़ी मुबारक हो फोन की। अब मैं जा रहा हूँ, इंशाल्लाह आपका बाहर का जो भी प्रोग्राम हुआ जस्ट लेट मी नो। मैं कहा मैं आऊंगा तो सरप्राइज होगा। तो फिर बच्चे आज छुप ऐसे छुपया ही मैं इंज देखा मैं गड्डी तक निकल होती है। क्यों हफ्ते बाद तू आया तो ड्रामे शुरू कर देने। 4 दिन पहला तू गंडो गया। 2 दिन पहला तेरे गल हुई है बस। तुझे ये तेरी बहुत जान चढ़ा के आया था, फिर आ गई है। मगर अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सारे? ठीक ठाक हैं, मजे में हैं, बेहतरीन हैं। वेलकम करते हैं आपका ब्रांड न्यू व्लॉग में, और आपका वेलकम किया जा रहा है ठंडे पानी के साथ। हमारी सुबह की जो मॉर्निंग है आज हुई है पूरे 2 बजे। ओए कर ले। और आज हमारे पास एक जानवर नुमा शख्स भी आया है जो के अभी भाग रहा। ये की है आदिल से छुप क्यों रहा है? ये निशानी होती है भाई, ये निशानी होती है भाई, ये जानवर की निशानी होती है। जानवर जब इंसान को देखता है तो भाग जाता है। क्या हो गया ब्रो? जानवरों के नाम दे रहा है यार तू अपने भाई को। आपका भाई सर क्या नाम है? आदिल बाजवा दी अर्जु अस्ता। ठीक है, अपनी जानवर नहीं है तू, इंसान है। मैंने कह दिया, और बता और क्यों हुक्म साडे लाग गया भाई। थैंक यू, चल निकल दाना खा के आ। चल अच्छा अच्छा, कौन सी हमदा चीजें ले आया जो मेरे पीछे पड़ा हुआ? रख रख रख, क्या है दिखा? वो स्पीकर भी ये उठा ले। ये ना एम्पलीफायर और स्पीकर पड़े हुए थे। ये अम्मा जान की रिपोर्ट है। ये मेरी कार में थे, सिविक में, और ये हमदा साहब को पसंद थे। हमदा साहब ने बोला जी कि ये तूने नहीं देने ये, क्योंकि मेरे वाले रेड वाइन सिविक में लग रहे हैं, क्योंकि हमदा साहब ना गाड़ी बहुत पसंद है। ये रखो यार, उठाओ यार, ये भी दे, ये भी मैं रखूं। ये मैंने वाइड उस दिन ली है, मैं कह यार कभी कभी काम आ जाएंगी, काम आ जाएंगी। लेके लेके आओ जी इसको। अच्छा, ये तब मैंने 40-50 हज़ार का सेटअप रखवाया था, लेकिन अभी आई होप जो मैंने गाड़ी लेनी है लेकिन ले ली है। उसमें जो है ना अपना कर उसके ऑलरेडी अच्छे हैं। ये किसके पर पड़े हुए हैं? क्या है ये? एंड और शोर तो निकालना। ये देख मेरी पैंट कैसे फेंकी हुई है, मेरे शूज, मेरा जूता इधर पड़ा है, मैं उस दिन का ढूंढ रहा हूँ यार। तो साफ लगा ले यार जी इसको। अली अपने कपड़े निकाल देती, ये जगह खाली कर। गंदे क्यों कहेंगे? अली तेरे, ये तेरे अली के कपड़े हैं? ये मेरे नहीं है, ये अली के, ये दूसरे हैं। तो ये किसके हैं? मुझे तो मेरे हैं। चलो निकाल। कि तूने गुजरात जाना है? नहीं नहीं नहीं, मैंने गुजरात नहीं जाना। मैंने आपको बताया नहीं जी, मैं आज गुजरात जा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं काफी दिनों से उदास हो गया था। घर वालों से, अम्मा अब्बा को, भाई को, बच्चों को, सबको मिलने का दिल कर रहा था। उनको नहीं पता कि मैं आ रहा हूँ उनको सरप्राइज देने आज जाके। अम्मी का अभी मुझे थोड़ी देर पहले फोन आया था, पूछ रहे थे क्या बात है, किधर हो, क्या कर रही हो। मैं कहा अम्मा जी जरा काम नहीं खत्म हो रहे, काम खत्म होंगे 2-4 दिनों में आएंगे। मैं कहा चलो आज चलते हैं जाके सरप्राइज देते हैं उन्हें। अपना सामान तो पैक करूँ, सारा बैग मेरा खुला पड़ा हुआ है। किधर गया ये पड़ा हुआ है अपना बैग? सामान मेरे कपड़े उस रूम में, वो मैं लेके आता हूँ पहले। एक तो मेरा हुआ रहता है यार, ये मेरी सॉक्स, ये मेरी पेंट। अब मुझे कैमरा करना पड़ेगा बंद, क्योंकि सामान ज़्यादा है। चलो भाई चलो, ये बिस्मिल्लाह जी। अब क्या प्रोग्राम है आपका? जाना है? नहीं अभी नहीं। क्यों? इसने जाना ना, जब फिर मैं आऊंगा। किसने? किधर? बाहर जाना है? जब बाहर जाना। अच्छा, कौन? अभी तो उसका कोई प्रोग्राम मुझे नहीं लग रहा है। नहीं, उसको वीजा फंसा हुआ है। वीजा फंसा हुआ है ना अभी उसका प्रोग्राम, मुझे इसलिए कह रहा हूँ। वीजा लगेगा तो फिर प्रोग्राम बनेगा ना। इसका एक वीजा लगा इतना बड़ा अमेरिका का, एक और बहुत बड़ी कंट्री का इसने अप्लाई किया। मैं कहा लगे रहो ऐसे, गुजरात दो ही मुल्क ने। अली साहब ने ये जो अभी बात की है ना, इन्होंने जा रहे महीना में तेरे को सेम बात कल हमदा को कह रहा था कि हमदा इसको जा लेने दे, फिर बाद में मैं तेरे पास दफ्तर ही रहा करना है, मैं तेरे पास आ जाना है। तेरी कोई एक जुबान है? बोला गुजरात जाएगा। गुजरात जाएगा? किस कौन जाएगा? हमदा। हमदा तो तेरा उसमें क्या काम है? क्या चल रहा है सिद्धू में तेरा इस्तकबाल? इस्तकबाल कर। चल जान तो पहले एक स्टेप को खा दे, जान तो पहले मैं नचे नाला तेन स्टेप खा दे यार। वैसे अक्सर नाच तो रहा होता है तू, बस खुशी। चल आज भी आज यार खुशी है, मैं चल रहा। चल हूं तेरे को आओ। ओ मेरा उम्र, ओ छोड़ दे यार, लोग याद पीने छे कैसी बात कर।
चल अब खड़ा हो ना जान मार दियो जान जान से पहले मैं नचने वाला है चोकने को गड़स कर पागल हो ना नचने वाला आ गई हो नचने वाला आ यार लोगों ने कुछ नहीं कहना लोग तेरे से बड़ा प्यार करते हैं अली वही तो सर जुल्कन नैन आदमी ने पागल कर देना उन्हें चेना वो देखो कौन है ओए डीटू क्या हाल है आज तो बड़ा प्यारा लड़ रहा है माशाल्लाह आज तो बड़ा प्यारा लड़ रहा है आई एक एक मेरे साथ इसकी उस दिन की जो लड़ाई हुई भी है ना इसने मेरी जान ही छोड़ी अभी देखो क्या करती है ये देखो इधर पहले अब्बे को मार लेना फिर मुझे मारेगी इधर इधर आ चाचू को चाचू चाचू ओ तेरी चाचू तेरी तेरी ऐसी की ठासी तेरी मेरी दुबारा लड़ाई है ना छोड़ो मैं डाल रहा हूं ठीक मैं डाल रहा हूं मैं डाल रहा हूं एक टिशू दे दो ओके टिशू दे दो मामू 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 बाय बाय मैं डाल रहा हूं टाटा अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ टाटा चाचू तो दादो तो दाते प्यार दे ना दादा बू तो दाते टिशू दे ना ओटे ओटे डेडू डेडू नहीं मोटू जो है ना मोटू रेडी रेडी हो गए किधर जा किधर आया मोटू मैं फोटो बनवाने लगा शूट कराने जा रहा है वाह जी वाह माशाल्लाह शूट कराने जा रहा है ओके चल बाय बाय से बाय एक दफा बाय कर दो फिर मैं जाऊं बाय कर दो ना मुझे वो गंदी है मगरोल है चल ठीक है यार मैं निकल रहा हूँ अभी मैं सामान वगैरह रख के ना ठीक है तो अभी तेरा बाहर का क्या प्रोग्राम नहीं आया वीजा अभी तक अभी तक नहीं आया यार नहीं एक कड्डी वड्डी कंट्री दा वीजा तेरा लग गया फिर तू कुछ समझ नहीं आ रही मुझे वो नहीं वेट कर रहा हूँ इंशाल्लाह आज रात शाम तक आ जाएगा ईमेल या फिर कल तक आ जाएगा अगर आज शाम तक आ जाता है तो मेरे लिए ईजी रहेगा ट्रैवल करना अगर कल तक आता है तो फिर ईजी नहीं रहेगा अगर कल तक आ गया तो फिर मैं शायद ट्रैवल ना करूँ मतलब 50-50 मेरे चांसेस हो जाएंगे अच्छा अगर शाम तक आ गया तो फिर चांसेस 100% है मेरे जाने के अब देखो क्या बनता है चल मुझे बता दी जो भी सीन हुआ फिर मैं आ जाऊंगा ठीक है ये अब इसका क्या प्रोग्राम इसने गुजरात जाना है पीछे से नहीं नहीं जब ये जब मैं निकलूंगा जहाज की डिग्गी चुपा के लाई आ जाएगा पूरा तू बुड्ढी की एक्टिंग भी सही करता करके दिखा चल तू पायलट की बुड्ढी आज एक्टिंग करके दिखा तू जहाज में सफर ये पायलट है चल जहाज पायलट यार एक दफा एक्टिंग करके दिखा दे अब तेरे में तरले कर रहा हूँ कब से मैं मेरे अंदर तो मर्द मर्द जा रहा यार वाड़ फिर मेरा टाइम ना जाया करो ले यार मैं अपना सामान रखूं आए एक तो ये जो है ना कुछ भी तरतीब से बताओ तो आए Go. Mama's calling. क्या कर रहे थे गाड़ी में गाड़ी में क्या कर रहे थे देख के आजा आजा इधर वो ध्यान से शाबा चल अंदर चल मैं गाड़ी लॉक करके आता हूँ कौन सा दरवाजा खुला हुआ गाड़ी लॉक नहीं हो रही यार ये मुझे लगता कौन सा खुला हुआ अंदर कौन सा ये नहीं गाड़ी चल रही है वो गाड़ी ऑन की हुई है ये जो लड़की है ना इसके उल्टा ही काम निकल रहा है तू यार ऑफिस जाना मैं लेट हो चल ठीक है ओके आके मिलता हूँ तुझे मैंने ही उतारना है अभी लॉक हुई है आजा आजा अली तुझे मैंने ही उतारना है आजा आजा मैं मिलके निकलूं क्या है अब जी वाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या फिट फोन है जी जुल्कनैन को गिफ्ट मिला है जी कमल भाभी से और ये बंदे का कोई बीच में काम नहीं है इतना वो ले जा रहा है क्रेडिट के मेरे उसने दिया यार इधर दूर हो ले यार पहले मैं आपको आईफोन दिखाने वाला हूँ जी एक मिनट जी पटाख डम डम वो है ये पड़ा यार वो मैं आईफोन ढूंढ रहा हूँ दिखाए जी ऐसे ही दिखा दे ओए होए होए ऑन भी होने वाला है माशाल्लाह यार मैंने पहली लुक देखी खानदान का पहला माशाल्लाह यार क्या कलर है यार सुभान अल्लाह अब मैंने भी लेना था लेकिन अभी मेरा दिल कर रहा है कि ना तू अगले साल सोती जाना मैं बैठा था भाई मैं बहुत जल्दी जा रहा हूँ क्यों तू क्या करने जा रहा है मैं उधर वेडिंग डेस्टिनेशन वेडिंग डेस्टिनेशन वो केड़ी शायद डेस्टिनेशन वेडिंग अच्छा ये लें जी माशाल्लाह जी बहुत फिट फोन है जी ऐसे कितने का आया जो गिफ्ट किया है 5 का 50 लाख का आए ओए 5 लाख 50 लाख का फोन ही है दुआ कर के अल्लाह तुझे भी ऐसी बीवी दे
जो तुझे इसी तरह से इंशाअल्लाह आमीन 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 यल्ला टाल 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 या बूढ़ी लग गया टाल 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 तू बड़े फोटो शूट कर देना जा टाल 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 आने फोन भी लाए एक ठीक है जा रहा है पक्की बात है ओके यार ठीक है मिया मिया क्या मतलब अच्छा यार बड़ी बड़ी मुबारक हो फोन की अब मैं जा रहा हूँ इंशाल्लाह आपका बाहर का जो भी प्रोग्राम हुआ जस्ट लेट मी नो फिर इंशाल्लाह मैं आऊंगा मैंने ट्रेवल करना है इस वजह से कह रहा हूँ कि मिलते हुए जाओ मैंने महीने बाद वापस आना है अच्छा तुझे जल्दी मैसेज करके बताऊंगा कहाँ जाओ इंशाल्लाह इंशाल्लाह की गल फोन वाली खुशबू नहीं है इसकी देखो नई गाड़ी ले ना हाँ। तो कोई बंदा कहता है यार ऐ नहीं खुश होना ऐ नहीं खुश होना इसमें नए फोन वाली खुश और तू जेड़ा आर्मी च काम करता नहीं आए नए फोन की कौन सी खुशबू होती है दिखाई होती है भाई चलो यार कोई नहीं अब तू खुशबू ले ओके सर बाय बाय टेक केयर बाय बाय के बाय बाय कर दो रोने लग गई ओ किन्नी दफा तेरे को मैं बाय कराया तू बाय नहीं करदा मोटिया ओ मोटिया बाय 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 अल्लाह हाफिज़ अच्छा ये मेजर फर्क है इसके कैमरा में ये रिजल्ट है 10 प्रो मैक्स का और ये रिजल्ट है 16 प्रो मैक्स का लाइट और लाइट में इतना ज्यादा फर्क है ये डार्क डार्क दिखा रहा है ये डार्क है ये बिल्कुल ब्राइट है उस लोगों के लिए बड़ी अच्छी चीज है ना खूबसूरत दिख रहे हैं अली के जी स्टाइल खड़े हैं चलो ये अच्छी इंप्रूवमेंट है यार अली तू इसमें ज्यादा प्यारा लग रहा है अच्छा देता हूँ अली यार जल्दी जल्दी बैठ भाई आ जा एसी लगा गर्मी बड़ी यार ये है ये तू हाफिज के काम देख टंकी देख बिल्कुल खाली है ऐसे ही भाग गया है क्या अब मैं करूं अभी ये पंप तक भी पता नहीं जानी है कि नहीं हाँ है पंप तक चली जाएगा हमजा साहब तू देख रहा है ना तो बच मेरे से बेटा तू निकल गया मैं तुझे बताऊंगा मैं टंकी फुल करवाता हूँ जाके अच्छा अभी मैं निकला हूँ सबसे पहले मैंने छोटू भाई को पिक करना है पिक करके अली को मैंने ड्रॉप करना है फ्लैट पे और छोटू भाई ने मेरे साथ जाना है क्योंकि वो रुका हुआ था इधर किसी काम के लिए तो मैंने उसको फोन किया मैंने कहा भाई तेरा क्या सीन है मैं वापस जा रहा हूँ तूने चलना है वो कह रहा भाई तू जा रहा है तो फिर मैं ऑब्वियसली जाऊंगा छोटू भाई को पिक करता हूँ फिर अली को उतार के निकलते हैं अपनी मंजिल पे वालेकुम अस्सलाम छोटू भाई क्या हाल है ठीक है अबे इसने नहीं जाना क्या हाल है रानी इस तरह फोन मैंने तुमसे मिलना है स्पेशली ओके जब भी आ गया मिलना है क्या करूं यार ये बोंगिया ने से काम ले लो जब भी डाल के मिलना अली कैसे काम है बंदा क्या ही बोले चलो यार बैठ जाओ छोड़ दो ड्रामेबाजियां बैठो चले अब इनकी शिफ्टिंग हो रही है तू आगे बैठ जा तू पीछे बैठ जा भाई सब काम शाम हो गया जो करने आए हुए थे आप जी भाई दिन काम शाम हो गया कुछ रह गया फिर चक्कर लगेगा ठीक है भाई थोड़े लोड दे चक्कर ही लगते रहने ओके अली भाई लव यू सी यू वेरी सून भाग जा अपनी शक्ल ना दिखाई ओके गेट आउट ओके लव यू लव यू पकड़ इसमें से ना वो एक पर्ची है वो निकाल कितने दिन हो गए हैं मेरी ये किसी का इनविटेशन कार्ड है इनविटेशन कार्ड नहीं है ब्रो ये सब उसकी पर्ची है निकाल ना इसको अब बल्ले हो तेरे ये जो जो चीजें लिखी हुई है ना फेस वॉश है सीरम है और एक दो और चीज है ये सारी यहाँ से ले मैं पैटर्न बुलवा के आता हूँ मैं तो क्या कोई शादी है इनविटेशन नहीं जल्दी जा तो पहले ये काम करके आ नहीं तो बाद में फिर नहीं याद आया ना अब आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा तो चला गया था फिर घर वापस क्यों आ गया असल में एक दो चीजें रह गई थी तो दोबारा मुझे कमल ने फोन किया कि भाई वो चीजें तो ले जाओ अभी मैं वापस आया वो चीजें लेके दोबारा निकलूंगा हाँ जी हाँ जी क्या रह गया था निकाल दिया चीजें चले आ गए ठीक है ठीक है ये लेके जाना है ये आ जाएगा गाड़ी में पूरा हाँ जी कुछ पर्दे थे और एक क्लीन था और लैंप वगैरह भी थे लेकिन वो भी जगह नहीं है मैंने कहा अगली दफा ले जाऊंगा मैं भाई जान अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ आ जाओ आगे आ जाओ छोटू भाई तू बोनेट पे बैठ बोनेट पे बैठ चल भाई निकल जा खोल यार बोनेट खोल खोल चल खोलना की वो ऊपर बैठ अबे इंजन में फिट होना ओए अनु अनु गुस्सा कारपोरेटर नहीं रहंदा एनु गुस्सा चढ़ जाए ना ते बंदर बन जांदे ऐ वे गुस्सा नहीं चढ़ाना पोटी का कलू मदरिया आया कलू मदरिया चल भाई भाग तू मैं लेट हो रहा हूँ जा 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 इसमें यार कटिंग शटिंग और खचत करवाना था इसको मैं उतार रहा हूँ सेट माय हेयर सलोन पे उसमें एन के पास बाबर भी शायद इधर ही है चल बैठ आ जा यार ओए तू वापस कैसे आएगा नई वाली ऑटो तेरी है चलो ठीक है लगी हुई थी मैंने कहा यार कुछ खा लेते हैं क्योंकि 3 घंटे का सफर है
खाना खाएंगे मेन, घर जाके हल्का फुल्का खाना, इसलिए मैं हार्डी रुक हूँ यहाँ से जो है ना कुछ खाने पीने के लिए लेने। दे दे भाई दे दे, बड़ी भूख लग रही है, खोल इसके अंदर क्या है, निकाल यार मेरी तो जान निकल रही है। Two hours later. और बड़ी स्पीड में ही आए हैं हम लोग, पर मुझे फुल नींद चढ़ी हुई है। जिस काम के लिए आए हैं, जो घर वालों को सरप्राइज दी है अचानक आके, नहीं तो उनको उम्मीद थी कि ये बंदा नहीं आएगा। अभी निकाश भाई को फोन करता हूँ, कहता हूँ बाहर पार्सल आया हुआ है। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई जान, याद ही याद है, तुसी केड़ा भूल गए हो जेड़ा याद आनी है वापस। नहीं मैं बाबा तो कितने ना बात काम कर रहे हो, सब 2 दिन बाद 2 दिन बाबा दिन हुंदे ने उस्ताद जी, बाबा ही हुंदे ने और क्या हुंदे। अच्छा मेरी गल सुनो, अपना ना बाहर पार्सल आया एक, वो तो रिसीव कर लो, बंदा बार-बार मुझे फोन कर रहा है। पार्सल यार वो बंदे के पास था तो वो दिन में डिलीवर नहीं कर पाया, वो फिर इस टाइम आया तो अभी रिसीव कर लो। चल ठीक है, किधर बाहर है? बाहर खड़ा हुआ है, बाहर रिसीव कर लो। चल ठीक है। ओके ओके, ये हॉर्न स्टार्ट है क्या? मैं भी यही कहने लगा हॉर्न वाला काम कर गया था। रुको लेकिन आ जा बाहर। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं गाड़ी तुझे नजर आ गई, मैं तो छुप गया सी इत्थे। हां जी अस्सलामुअलैकुम मम्मा जी, क्या हाल है? सेट कैसा दिता फिर सरप्राइज तुहानू? तुहानू दिया सी कि मुंडा टुट गया है। हां जी क्या हाल है? गाड़ी लेके आना था मैंने यार, कोई फायदा नहीं, देसी फैमिलियां चाहिंदा कोई सरप्राइज दे, कोई फायदा नहीं, खुदा दी कसम मैं हिसाब ला लिया जी। किस चीज का यार, तू खुद नहीं आज उन्होंने ठीक किया यार, गाड़ी लेके आता वो सरप्राइज। अबे वो भी लेके आएंगे बेटा, शादी होगी तेरी, गाड़ी में ऐसे लेके आऊंगा, गाड़ी में पूरा इहतमाम टोल टमके सारा कुछ कर कर आगे लेके आऊंगा। फिर आई ना मैं, आ गया जी अम्मी, आ गया मैं, पुत्र आ गया यार, हद हो गई यार, ये बंदा नहीं ठीक हो सकता, स्टैंडर्ड की हो गया नहीं है, आप कितना सड़न पर मेरे तो ना होंगे, मैं चला पड़ा सी, मेरा स्टैंडर्ड ये मम्मी डैडी से, ये इसके आईडिया मम्मी डैडी, तू ऐसे जाना निकाश भाई आएंगे तुम ऐसे कर, नहीं जो आओ बहू ओ बहू यार छोड़ो यार, दिल ही खराब। अब्बा जी उंजी अंदर, अब्बा जी मैं आख्या देसी फैमिली च कोई अब्बू ने सलाम लिया, चार गल्लां मैंने सुनाईयां ने, चल चलिए कोई हाल नहीं बचिया, कोई चाल नहीं बचिया। आपने बोला ना कि सरप्राइज, मैं समझी पता नहीं गाड़ी ले आई। मैंने देखा कोई बंदा ना 8-10 साल बाद ना यूके रिटर्न या अमेरिका रिटर्न, वो आते हैं, मैं भी 8-10 दिन बाद आया, बंदा इंज गल आके रोंदा है यार मेरा भरा आ गया, ये आ गया, 4 दिन पहला तू गंडो गया है, 2 दिन पहला तेरे गल हुई है। हैं ऐसे करवाते हैं अपनी ही बेइज्जती मेरे साथ, लेके आंदा
खाली हाथ फड़े ने पसीने ना भरे ते उतो अन्नी गन आ गया हूं मैं एसी में बैठ के आया हूं बहुत नवारी होनी है लेकिन ओए ते चवारी है भूल गया नहीं आज मार गया आज तन मान के आपके ही बटन खुला है भाई नहीं ते ए नहीं खुले वे ते खुले अंदर हो भी एने पूरी से पूरी छाती नजर आ रही है तद ही स्मेल आंदी है ना बटन बंद करो ना इड्डा तहजीब ना बोल रहा है बटन बंद करो खैर छोड़ दे हुन मैं तेरा मुंह वेवे थक गया बच्चे किथे ने मनवाया दस बच्चे सो गए यार एक तो चंगी तुसी भाई 6 बजे उठना है हमने भी 6 बजे उठना है और स्कूल छोड़ के आना है तो अब रूटीन सही हो गया तेरा ही रोना है पूरा साल ही रोना है बाकी सो गए हैं कोई नहीं सोए ने हम सारी दिहाड़ी थोड़ा तंग कर दे चलो खैर क्या पकाया है भूख लग रही है अच्छा अम्मी ने जिंज अच्छा किया मतलब लगता कख नहीं पके है छुट्टियां मार रहे हो क्या बनाया वो कद्दू और चने की दाल कद्दू और दाल जबरदस्त बने आजो जरा अब्बा जी को भी थोड़ी चित्रोल करा दी आजा छोटू भाई हाँ भाई छोटू भाई खाना खाना है क्या सीन है मुझे तो भूख नहीं है फिलहाल मैंने भी वो जो बर्गर खाया है ना उस टाइम का उसके बाद बैठे रहे हैं ड्राइव किया मुझे भी बिल्कुल भूख नहीं है तो क्या सीन करना है फिर निकलते हैं कुछ बाहर चले बाहर चक्कर मार के आते हैं चाय शाय पी लेते हैं साथ मोटू भाई को मिल लेते हैं क्या ख्याल है चल आजा फिर उठ उठ चले मैं जरा ना अंदर बताऊं घर वालों को उन्होंने कहना आंधे ही निकल गई मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ मंगवाना है आप लोगों ने हैं निकाय साहब केड़ा बार केड़ा बार मेरे पास ने कि मैं तुम दस दा शय वो ले आए केड़ी शय उस्ताद जी केड़ी जगह तो चलना है वैसे ही बाहर जा रहा हूँ मैं कुछ चाय शाय पीने जा रहा हूँ भी थोड़ी देर में आ जाता हूँ मैसेज करूंगा इतने मेनू काला पै जाएंगे अच्छा ठीक है क्यों बह जा हफ्ते बाद तू आया तो ड्रामे शुरू कर देने बाहर दे अंदर यार वैसे अब चाह शाह पी चला जो बाहर से चाय मिलती है वो घर से तमाशा बना ले हूं तू आया दस मिनट बह गए तू नाल ही पै कहना मैं घर चलना दस मिनट कब बैठा हूँ यार एक घंटे से बैठा हूँ बाहर चलना तू घर बह यार को तेरी आधे घंटे में वापिस आ यार कोई तरीका ही नहीं है आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा मोटू भाई को मिलने जाना है बस छड़ मोटू भाई आ जाएगा सुबह थे नहीं मोटू भाई का फोन आया मोटू भाई भी आ जाएगा पंगी भी आ जाएगा सारे ही आ जाएंगे और छोटू भाई भी तो बैठा है उसको भी मैंने ड्रॉप करके आना है भाई नू कर लेने क्या कर लेते हैं गोशी नू बुलाने ले जाएगा और नहीं ला गोशी को बुला मैं आता हूँ यार अबू जान नहीं दे रहे छोटू भाई को मैंने ड्रॉप भी करना है मैं चाय पी के आता हूँ तुम इधर बैठे अंगूर खा रहे हो यार दूसरे को तो नरमी दिखानी चाहिए ना क्या ख्याल है अब्बा जी ऐसे ही है चलो मेरी गल सुनो एक पता की ए दस्तूर है साडे बरसगीर पाक होंदा मां समझदी है प्यो जालम है नहीं ऐसी कोई गल नहीं नहीं ये गल है ना मैं जदों मैं कहना नहीं जाना तू 18 दिन बाद आ जाए जैसे गाड़ियों के पीछे भी लिखा होता है मामा ठंडिया छावा प्यो कड़ी धुप लो जी ए जनाब एन चलता पे मैं तो वेख्या ना मैं उथे भी आई उथे भी तेन ए दिन सपोर्ट किया बेहतर होंगे तू किने दिन बाद आया बस आधे घंटे में आ रहा हूँ यार ज्यादा टाइम नहीं लगाता है हूं याद जे अम्मी भी मना कर देंदे ना फिर मैं बह हूं एक बंदे ने ना कर दी एक ने हां कर दी जो मैं जी तेन मना किया तेरी अम्मी ने कहना जाओ चले फिर मैं फिर छोटू भाई को ड्रॉप करके कोई गल नहीं निकाश कर रहा था यार क्या है यार आ रहा हूँ मैं कह रहा हूँ आधे घंटे में वापिस आया आ रहा हूँ लेट ना कर ऐसे ज्यादा लेट होऊंगा मैं आया हूँ आधे घंटे में बस में आया टेंशन नहीं लेनी अगर कुछ चाहिए हुआ तो बता देना ठीक है फिर आ गई मगर तो मैं भी यही कह रहा था कि वाह 7 दिनों तो तेरे तो जान थे 7 दिन नहीं बल्कि 3 दिन हुए थे अभी है ना 3 वेले याद करना ना तू तू याद तेरा टाइम नहीं सी लंग नहीं मनु याद रिया नहीं ऐसे तो कह रहे 2-3 दिन हो गए ने के बला टली है को खाना मेरा बचे है को पैसे मेरे चार बचे है बचे है और भाई क्या भाई जान अपने नसीबा दा खाना दा गलत गल नहीं करनी मेरे नाल ते मैं तन्नू कदों कहया के तू मेरे नसीबा दा खा रहे मैंने बोला तू गड्डी च निकलदा नहीं है जीवी कैमरा फड़ना हुंदा है गड्डी च निकल के आ जांदा मेरा भरा बाप रे ये तो धोती खोल रहा ते वैसे तेरी औकात है मैं तन्नू गड्डी च निकल के मिला अच्छा ठीक है बता आया कि नहीं ऐसी गल छड़
महाराजा नाम रखा हुआ। इसके पीछे रीजन ये है की हाँ जी शर्म नहीं, वैसे ने गल बिलकुल सही की थी, छड़ के तेनू मैं आया एयरपोर्ट ते। अच्छा उस दिन ये जिस दिन आया तू छोड़ के आया डाइवो पे। अच्छा मुझे खबर भी नहीं है, कानो कान खबर भी नहीं है कि एक दूजे ने ड्रॉप आउट किया जाओ है। इसने मुझे पिक भी किया था ना उस दिन। ओ माय गॉड। अच्छा मैंने भी साहब बराबर किया, इसने करवाया साहब बराबर उधर ही। उसने मुझे कहा था मैं कोई दिन लौट जाना, मैं छड़ के आनी। मैं उस टाइम बोलिया नहीं, मैं झूठ मार दे ओए, मैं बोलिया नहीं। मैं कोई गलती हूं आप गलत बयान नहीं करता भैया, बंदे आसी ते तेरा दा सही है तो सिया मैं तन्नू। लड़ाई हो रही है शुरू, आ जाओ कहीं चलते हैं। ओ पोटू भाई ये किधर ले के आ गया मुझे, ये कौन सी जगह है गुजरात में भाई? ये दो बंदे क्या चाहते हैं, ये तो वैसे ही खाने में बड़ा मास्टर है। एक दिन ना ऐसा स्विच चैलेंज करेंगे जिसमें एक दिन के लिए तू फरार होगा, मैं मोटूभाई होऊंगा, और मैं फिर दिखाऊंगा कि ये बंदा कितना खाता है, क्या करता है, क्या नहीं। भी आपको वही चीज ये आपको दिखाता है जो इसने दिखानी होती है, लेकिन मैं इसकी रियलिटी दिखाऊंगा कि ये असल में करता क्या है, खाता क्या है। और मेरी गल सर बिच्चू तू खुश है तो नहीं पता जी ना कि मैं खाना नहीं खुश नू, तू शाहरुख खान जी मैं करैक्टर कर लगा करैक्टर दी नहीं गल कर रहा, मैं घट खाना पुत्र है एडी गल नहीं। खैर यार कोई नहीं, ये गल्ला होंदी रहनी है। आज के व्लॉग से भाई को दे दें इजाजत, उम्मीद करता हूं व्लॉग बड़ा पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज़ येड़ी वीडियो इथे लबनी है किधरे भी नहीं लबेगी। कल मुलाकात करेंगे, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।